saiyo. Rukiye sarkar. तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे पीछे से पुकारे, मुझे रोके, हरिओम। मैंने आपको आपके भले के लिए ही रोका है सरकार, क्योंकि प्रसाद तो समझ गया लेकिन आप अभी तक नहीं समझे। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा हरिओम। अब भी समय है कुलकर्णी सरकार, संभल जाइए। आपकी गलती गांव वालों पर तो भारी पड़ ही रही थी, लेकिन आपकी वही गलती आपके परिवार को भी बर्बाद कर देती। आप ये तो जान चुके हैं कि प्रहलाद भी कारखाना काम करने चाहता था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वहां प्रहलाद को चोट लगी थी? राम जी की कृपा से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। ए फकीर, मैं तेरे उन अनभक्तों की तरह नहीं हूं जो तेरी बात सिर झुका के मान लूंगा। जो कहना है स्पष्ट कह। जब आग फैलती है तब वो अपना पराया, सही गलत कुछ नहीं देखते, वो केवल भस्म करना जानती है। वो हर उस चीज को राख कर देती है जिसे वो छूती है, इसीलिए आग लगाने में समझदारी नहीं होती। बुराई भी वैसी ही होती है कुलकर्णी सरकार। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो लौटकर हम तक भी आता है, इसीलिए बेहतरी सबका भला सोचने में ही है। तो तेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सब ये मेरा किया धरा है। सटिया गया है तो सटिया गया है, और सब जान चुके हैं कि इसमें प्रसाद का लालच था। आप समझदार हैं कुलकर्णी सरकार, मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह माल। ए फकीर, इतना अभिमान मत कर। भले तू इन छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत रहा होगा, लेकिन ये लड़ाई मैं ही जीतूंगा हरिओम। सौ सुनार की एक लोहार की, ऐसा वार करूंगा कि तेरी ये हस्ती मिट जाएगी हमेशा के लिए, देख लेना। बनाने वाला राम, मिटाने वाला राम, फिर डर कैसा? राम जी भला करे। आज फिर इसने मुझे नीचा दिखाया है और मैं कुछ नहीं कर सका। इसने इन बच्चों को छुड़ाया और गांव का नायक बन गया। आज केवल इस फकीर ने ही नहीं, उसके साथ साथ मेरी पीठ में छुरा फोंकने वाले प्रसाद ने भी मुझे गांव वालों के सामने, गोविंद राव के सामने शक्तिहीन बना दिया। आएगा वो दिन भी आएगा जब मैं शिरडी वासियों की दृष्टि में इसे गिराऊंगा, और ये कोई शब्द नहीं, वचन है कुलकर्णी सरकार का। हरिओम। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.